Hello everybody, today we'll be doing question number 2 from exercise 10D. In this question, we have to find out the diameter of the circle whose circumference is given as 77 centimeters. Question ko bahut easily, bahut aram se samajhna hai, question kya keh raha hai, theek hai? In this question, circumference, C is given as 77 centimeters, we have to find out D. Iska kya formula hota hai? C is equal to pi d, ठीक है? अब आप इसमें confused मत होइएगा, C मैम कभी बोलती है C is equal to 2 pi r and sometimes she says C is equal to pi d, ठीक है? दोनों एक ही चीज है. Why? Because अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं pi into 2 r, what is this 2 r? ये circle है अगर and if this is the radius, ठीक है? तो diameter क्या होता है? Diameter is actually equal to pi d. D, sorry, diameter is equal to 2R. Diameter 2R के बराबर होता है, ठीक है? Radius का double करते हैं, तभी तो diameter आता है. तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? This will be equal to pi D, ठीक है? If radius is given, तो आप formula लगा दिए 2 pi R, and if diameter is given, तो you have to put the formula C is equal to pi D, ठीक है? I hope it's clear. Now we come to the question. This is 22 by 7 into D we have to find out. C is given as 77. तो यहाँ पे D क्या हो जाएगा? 7 ऊपर आएगा. This is 22. Sorry, 77 into 7 divided by 22. ठीक है? So this will come out to be. इसकी value क्या होती है? 22 by 7. अच्छा चलिए ऐसे कर लेते हैं. 11 twos are 22. 11 sevens are 77. 7 sevens are 49 divided by 2. This will come out to be 2 twos are 4. 2 fours are 8.5 centimeters. यहाँ पे diameter क्या आया? 24.5. ठीक है? I hope it's clear. There should not be any problem in this question. Now in the B part, we have the circumference as 22. We have to find out diameter here. So yahan pe what we'll do here is circumference is 22. This is pi kya hota hai 22 by 7 and diameter we have to find out. So kitna ho jayega 22 se 22 cancel out hoga, theek hai? तो डायमीटर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सी पार्ट में डायमीटर इज गिवन एज 121. वी हैव टू फाइंड, सॉरी, सर्कमफेरेंस इज गिवन एज 121. वी हैव टू फाइंड आउट डायमीटर. तो मैं इसको लिख देती हूं 121, पाई इज 22 बाय 7 एंड डायमीटर वी हैव टू फाइंड आउट. तो डायमीटर कितना हो जाएगा 121 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11 11 जा 121, 11 2 जा 22, दिस इज 77 बाय 2, 2 3 जा 6, 1 हियर 2 8 जा 16.5, तो ये कितना आ जाएगा 38.5 यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर्स, राइट? Now in the D part, we have 66 centimeters as circumference. So, यहाँ पे diameter क्या हो जाएगा? 66 is equal to 22 by 7. Diameter is D. तो ये हो जाएगा 66 into 7 divided by 22. 11 twos are 22. 11 six are 66. 7 six are 42 divided by 2, this will come out to be 21 centimeters. Okay? Here we complete question number 2. Now we move on to question number 3. अगर आपको videos पसंद आ रही हैं, तो please do subscribe the channel. और आपके छोटे-छोटे जो comments होते हैं, they mean a lot for us. हम जो teachers होते हैं, जब वो पढ़ाते हैं, तो आप एक भी अगर comment करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. It is actually a kind of appreciation. So थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू जो आप इतने अच्छे से वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं.
और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताओ. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री. इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. यहां पर हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है एंड डायमीटर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. अब कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे? C इज इक्वल टू पाई डी. ठीक है, तो बहुत इजी हो रहा है ना, इतना कोई टफ नहीं है, राइट? इसको पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, वी वोंट कॉल इट एज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वील एवरी टाइम वील कॉल इट एज अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो दिस इज पाई इज 22. अच्छा, अब यहाँ पे एक काम कर लेते, इट विल बी इजी फॉर अस. पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? इट वॉज 22/7 और यू कैन टेक इट 3.14. आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं इंटू वॉट इज डी हेयर, डी इज 10. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 314 डेसिमल, बिकॉज ऑफ द जीरो. डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहां से हटके इधर आ जाएगा. ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये कैसे आएगा, तो ठीक है, आई एक्सप्लेन यू दिस. यहाँ पे डेसिमल है, अगर हम ये डेसिमल रिमूव करते हैं, डेसिमल इज आफ्टर टू डिजिट्स 1, 2, तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो लगा देंगे डिनोमिनेटर में. ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को अगर हम रिमूव करते हैं, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? आफ्टर टू डिजिट्स, तो हम यहाँ पे वी प्लेस टू डिजिट्स हियर, तो ये 100 हो गया इनटू 10. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल, अब ये 1 जीरो बचा. ठीक है, तो न्यूमिरेटर में 1 डिजिट के बाद ये डेसिमल आ जाएगा. ठीक है, आई होप दिस कैलकुलेशन इज इजी. और अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो वो कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 10. जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है, डेसिमल वहां से हटके कितने जीरो हैं? वी हैव 1 जीरो है, तो डेसिमल हटके 1 प्लेस टूवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा. ठीक है, तो आंसर विल बी 31.4 सेंटीमीटर. This will be the circumference. Clear? अगर आप 22/7 लेते हैं, यू विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ी यहां पे कैलकुलेशन इजी होगी. राइट, नाउ इन द बी पार्ट वी हैव डायमीटर एज 7.7 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? C will be, क्योंकि यहां पे 7.7 है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन पाई इज 22/7 के कैंसिल करने में मुझे इजी हो जाएगा. ठीक है, इफ आई पुट C एज 3.14 तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती ना हमारे लिए. ठीक है, 3.14 इंटू 7.7 थोड़ा टफ हो गया. अगर हम 22/7 इंटू 7.7 करते तो अब इजी हो जाएगी ना कैलकुलेशन. ठीक है, तो वील ऑप्ट फॉर दिस वन 22/7. समझ में आ गया डिफरेंस कि कब कैलकुलेशन रिजल्ट सेम है, दे आर वन एंड द सेम थिंग. लेकिन अगर ऐसे कर लेंगे थोड़ा कैलकुलेशन इस टाइम इजी हो जाएगी. ट्रिक समझ में आ गई, अब इजी हो जाएगा ना इंटू 7.7. दिस विल बी 1.1. ठीक है, 22 इंटू 11 करते हैं तो आंसर क्या आता है? किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 लिखिए, 2 + 2 = 4, सो आई पुट 4 हियर. ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो मैं 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेती हूँ. ठीक, आई होप इट्स क्लियर. नाउ द आंसर इज 24.2 सेंटीमीटर्स. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट. सी पार्ट इट इज 14 सेंटीमीटर. डायमीटर इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. अगेन पाई इज 22/7 इंटू 14. 7 × 2 = 14. दिस विल बी 44 सेंटीमीटर. द डायमीटर विल मूव, सर्कमफेरेंस विल कम आउट टू बी 44 सेंटीमीटर. ठीक है, राइट, नाउ वील कम टू द बी पार्ट. हियर वी हैव द डायमीटर एज 63 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा ये? पाई डी. पाई इज 22/7 इंटू डायमीटर इज 63. 7 × 9 = 63, 9 × 2 = 18, 198 सेंटीमीटर. सो द सर्कमफेरेंस विल कम आउट टू बी 198 सेंटीमीटर. राइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
That is question number 4. Question number 4 is that diameter of a tire is 77 centimeters. So, we will write it down that diameter of the circle is of a tire is 77 centimeters. We have to find the distance covered by it in 10 rounds. So, this is a tire. ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में. ठीक है, यहां से जरा मूव करेगा, व्हेन इट विल स्टार्ट मूविंग, यहां पर है तो ये मूव करके करके इट विल कम हियर, इधर आ जाएगा. तो ये जो डिस्टेंस है जिसने एक राउंड में कवर करा है, दिस इज एक्चुअली द सर्कमफेरेंस. इसकी बाउंड्री की डायमेंशन है ना, जो इसकी बाउंड्री थी, दिस इज एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ दैट. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस. क्लियर हुआ, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr और πd. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड. ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, यू कैन इवन राइट इट एज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड. एक राउंड में सर्कमफेरेंस के बराबर वो डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, द क्वेश्चन इज आस्किंग वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 राउंड्स. तो हम क्या करेंगे, 10 इनटू सर्कमफेरेंस. क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बेसिस पे बहुत देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन. तो अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. ठीक है, तो वी फाइंड आउट पाई डी हियर. सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी. दिस इज द distance in one round. ठीक है, तो this is 22/7 into 77. वन वनजा, ठीक है, दिस विल बी 22 into 11 कितना हो जाएगा, 22, बीच में यहां पे 4 लगा देंगे, 244 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये तो आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड. That means we'll find out now distance covered in 10 rounds. This will be equal to 242 into 10. This will come out to be 2420 centimeters. I hope this question is clear. Theek hai, easy hai. Now we'll move on to question number 5. जो भी आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एनी चैप्टर, अगर इफ आई एम टीचिंग चैप्टर 10 हियर और आपको किसी और क्वेश्चन, एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग है ना, आप लोग के एग्जाम्स है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 49 सेंटीमीटर. एक कार का व्हील है, उसका डायमीटर इज 49 सेंटीमीटर्स. राइट, we have to find out how many turns will it take to cover a distance of 3080. मतलब क्या है यहां पर, इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील हुआ है, दैट इज 3080 सेंटीमीटर्स. ठीक है, we have to find out number of turns. तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स बी एन. ठीक है, तो फिर एन इंटू सर्कमफेरेंस, दिस इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील. व्हील ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर करा है, एक राउंड, टू राउंड, थ्री राउंड, फोर राउंड. ठीक है, लेट द नंबर ऑफ राउंड बी एन, तो हमने उसको n कंसिडर कर लिया है. नाउ n इंटू द सर्कमफेरेंस, दिस इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इक्वल टू 3080 डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस. व्हाट इज सर्कमफेरेंस, इज पाई डी. ठीक है, 3080 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू, what is the diameter here?
दिस इज 49, ठीक है, 7 7s are 49, ठीक, दिस इज 3 0 8 0, 2 7s are 7 2s are 14 154, ठीक है. सो द नंबर ऑफ टर्न्स विल कम आउट टू बी 20. दैट मीन्स कितने राउंड लिए हैं उस व्हील ने. इट हैज एक्चुअली टेकन 20 राउंड्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 0 8 0, ठीक है. फिर से थोड़ा समझा देती हूँ, उसका सर्कमफेरेंस कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 154, ठीक है. तो एक रेवोल्यूशन में, ठीक है, एक राउंड में इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 154, ठीक है. फिर दोबारा से इसने राउंड लिया, नाउ इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ अगेन 154 सेंटीमीटर, अगेन 154. तो कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, इट विल टेक 20 टर्न्स टू कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 3080. I hope the question is clear. Now we come to question number 6.